हेलो दोस्तों, मैं बिलाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बिलाल सर में। और आज हम पढ़ने वाले क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के इतिहास की पाठ्यपुस्तक से चैप्टर नंबर 2 यानी भारत में राष्ट्रवाद के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में हम पूरी तरह से ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे इस चैप्टर के बारे में, है ना। राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद की उत्पत्ति भारत में कैसे होती है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं राष्ट्रवाद के बारे में, तो दोस्तों राष्ट्रवाद क्या है, है ना, राष्ट्रवाद की भावना कैसे पनपती है। तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है एक स्थान, एक देश, एक राज्य में रहने वाले लोगों को समूह में जब हम की भावना होती है। यानी फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें कि हम भारत के लोग हैं और हम भारत में रहते हैं, इसकी संस्कृति, इसकी भाषा, इसकी संस्कृति, राइट, इसके सामाजिक परिवेश, हम इससे क्या हुए, जुड़े हुए हैं और अपने आप को इससे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, इसी को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, राष्ट्रवाद कहते हैं, राइट। तो राष्ट्रवाद क्या है, अपने देश के प्रति हम की भावना, अपने देश के प्रति संस्कृति, समाज रूप से जुड़ा हुआ महसूस करना, है ना, चाहे वो जातीय रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, सांस्कृतिक रूप से हो, अपने देश से जुड़ा हुआ महसूस करना, इसी को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। तो चलिए दोस्तों राष्ट्रवाद भारत में आता कैसे, हम राष्ट्रवाद के चरण पढ़ क्यों रहे। तो राष्ट्रवाद की उत्पत्ति दोस्तों भारत में होती है प्रथम महायुद्ध से। प्रथम महायुद्ध यानी 1914 से 1918 के दौरान चलने वाला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। यहाँ दोस्तों प्रथम महायुद्ध कब होता है, 1914 से 1918 में ये समाप्त हो जाता है। शुरुआत 1914 से होती है और समाप्त 1918 में हो जाती है। आपको पता है दोस्तों कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल था, पूरे 200 वर्षों तक शासन की ब्रिटिश सरकार ने हमारे पर। अब हुआ क्या, प्रथम वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश सरकार ने हमारे सैनिकों का, हमारे लोगों का सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए उपयोग किया। ब्रिटिश सरकार से हमने वादा, हम ब्रिटिश सरकार हमसे वादा किया था कि भारतीय लोग अगर युद्ध में शामिल हो जाएंगे तो हम भारतीयों को क्या कर देंगे, स्वतंत्रता प्रदान कर देंगे, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इस युद्ध में भारतीयों ने साथ दिया ब्रिटिश सरकार का, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उल्टा ही भारतीयों पर अनेक प्रकार के अधिकार और अनेक प्रकार के कानून बनाकर उस पर थोप देते हैं। तो जब ब्रिटिश सरकार द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भारत में शासन की स्थापना की जाती है, क्योंकि इस समय यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में होता है क्या है कि ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से संसाधन संपन्न थी, लेकिन इस युद्ध में उसने अपनी सभी संसाधनों को समाप्त कर दिया, पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार खाली हो चुकी थी, उसके बाद बिल्कुल पैसा नहीं बचा था। अब वो सारे पैसों को ना इकट्ठा करने के लिए, सारी युद्ध की क्षति को पूरा करने के लिए भारत से ही वसूल करना चाहती थी, तो उसके लिए इसने क्या कर दिया भारत में दोस्तों, टैक्स को बढ़ा दिया, कर में वृद्धि कर दी, सिंचाई कर लगा दिए और ऐसे बहुत से कानून बनाए जिसके माध्यम से इसने हमारे उद्योगों को, हमारे राज्यों को और ज़्यादा रेगुलेट और ज़्यादा पकड़ने की कोशिश की। इसी वजह से भारतीय में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति भी हो जाती है, क्योंकि इससे पहले क्या था, हम भारतीय किसानी के लिए, जमींदार जमींदारी के लिए, है ना, स्कूल विद्यार्थी स्कूलों कॉलेज के लिए, यानी सब लोग अपने अपने फायदे के लिए लड़ रहे थे, कोई एकजुट नहीं हुआ था। तो एकजुट कब हो गया, हम इसी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब ब्रिटिश सरकार ने संपूर्ण भारतीयों पर कर लाद दिए, है ना, रॉयल एक्ट जैसा कानून लागू कर दिया, तो भारतीयों को लगा कि एक हम ब्रिटिश सरकार से तभी जीत सकते हैं, तभी इसे पीछा छुड़ा सकते हैं, जब हम क्या हो जाए, हम एकजुट हो जाएं या साथ हो जाएं। तो उसी साथ होने की भावना ने हमारे अंदर क्या भर दिया, राष्ट्रवाद की भावना का विकास किया। गॉट इट। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों महात्मा गांधी का। इसी दौरान भारत में महात्मा गांधी का आगमन होता है। क्या आगमन होता है, महात्मा गांधी का आगमन। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं। यहाँ पर ना आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि महात्मा गांधी के भारत में आगमन के बाद भारत में राष्ट्रवाद के किस प्रकार से परिवर्तन हुआ और राष्ट्रवाद का विकास किस प्रकार से होता है। दोस्तों महात्मा गांधी भारत में 1915 में आते हैं और 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में यानी BHU में इकट्ठा होते हैं और भाषण देते हैं, और उस भाषण में अनेक प्रकार के लोग इकट्ठा होते हैं, अमीर, जमींदार, कृषक, मजदूर वर्ग। महात्मा गांधी को जब भाषण देते उन्हें लगता है कि ये जो सभा है जिसमें वो भाषण दे रहे हैं ये पूरे भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही है, क्योंकि उनमें वही लोग शामिल थे जो पैसे वाले थे, जो साहूकार थे, जो जमींदार थे। तो महात्मा गांधी ने कहा कि ये भारत नहीं है, भारत वो है जो इस सभा में शामिल नहीं हो रखा है। और इसी दौरान महात्मा गांधी के ने क्या शुरू किया दोस्तों, तो महात्मा गांधी ने भारत में आंदोलन करने की
सोची, परंतु वहाँ पर इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो उस सभा में महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे, वो थे क्या थे दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को कहा कि अभी यानी जब आप भारत से गए थे तब की स्थिति कुछ और थी, लेकिन अब जब भारत अब में आए हैं तो स्थिति काफ़ी बदल चुकी है। आपको भारत को अच्छी तरह से जांचने, समझने और परखने के लिए पूरे दो साल तक क्या करना पड़ेगा? भारत का भ्रमण करना पड़ेगा। तो महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह मानी और पूरे दो साल तक क्या किया? भारत का भ्रमण किया। तो यहाँ से भारत में राष्ट्रवाद की कहानी शुरू होती है। इसी भ्रमण के बाद महात्मा गांधी सबसे पहले कहाँ जाते हैं दोस्तों? 1917 में चंपारण किसान आंदोलन भाग लेते हैं। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में। तो ये और एक और सत्याग्रह है महात्मा गांधी का, अहमदाबाद मजदूर मिल मालिकों का। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा ना कि भारत में आने के बाद महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रथम तीन आंदोलन, प्रथम तीन सत्याग्रह कौन से थे? तो वो कौन कौन से दोस्तों? 1917 का चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन किस लिए किया गया था? कि वहाँ के किसानों को ज़बरदस्ती नील की खेती करने के लिए विवश किया गया, और जिसे भारतीय किसान करने से मना कर रहे थे, और किसानों को तीन कठिया पद्धति के माध्यम से उन्हें हर हालात में क्या करना था? नील की खेती करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा विवश किया जा रहा था। और इसी व्यवस्था को लेकर, इसी बात को ना मानने को लेकर लोग महात्मा गांधी के पास आते हैं, और महात्मा गांधी का पहला प्रयोग होता है वो कौन होता है? चंपारण। वहाँ महात्मा गांधी सफल होते हैं और किसानों की मांग पूर्ति हो जाती है। ठीक उसी के बाद 1918 में खेड़ा में महात्मा गांधी आते हैं। खेड़ा में क्या होता है दोस्तों? अकाल पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है, मौसम अच्छा नहीं रहता है, तो फसल पैदावार अच्छी नहीं होती। फिर भी ब्रिटिश सरकार, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने क्या करी थी? ज़बरदस्ती कर वसूल रही थी, ज़बरदस्ती लगान वसूल रही। क्यों? क्योंकि वो 1918 के वर्ल्ड वार में अपने हुए क्षति को भरपाई भारतीयों से करना चाहती थी, और इसी एवज में ज़बरदस्ती या जबरन कहें, चाहे उत्पादन हो चाहे ना हो, वो भारतीय किसानों से कर वसूलना शुरू कर देती है। और उसी कर वसूलने के विरोध में महात्मा गांधी को बुलावा होता है, महात्मा गांधी खेड़ा जाते हैं और वहाँ किसानों के साथ क्या करते हैं? हड़ताल करते हैं, और ब्रिटिश सरकार अपनी मांग को क्या कर लेती है? वापस कर लेती है। ये भी आंदोलन महात्मा गांधी का सफल हो जाता है। तीसरा आंदोलन था अहमदाबाद। अहमदाबाद में मिल मजदूर क्या थे दोस्तों? उस समय प्लेग महामारी फैली, काम धंधा सब बंद कर दिया गया, और हुआ क्या कि जो मिल मजदूर थे उनके जो पैसा था, उनका पैसा रोक लिया गया, और वो पैसा ब्रिटिश सरकार के माध्यम से नहीं दिया जाने लगा, और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ फिर मिल के जो मजदूर थे उन्होंने मालिकों के खिलाफ क्या कर दिया? हड़ताल कर दिया। और ये हड़ताल किसके माध्यम से किया गया? महात्मा गांधी के माध्यम से किया गया। ये हड़ताल भी महात्मा गांधी यानी इस आंदोलन में भी महात्मा गांधी सफल हो जाते हैं। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि भारत में आने के बाद महात्मा गांधी के तीन प्रथम आंदोलन कौन से थे? 1917 नील की खेती, चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, 1918 खेड़ा सत्याग्रह, और 1918 में ही अहमदाबाद मजदूर मिल के माध्यम से इन्होंने आंदोलन को शुरू किया। चलिए समझ गए, महात्मा गांधी भारत में कब आते हैं? 1915-1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अपना पहला भाषण देते हैं, उसके बाद लगातार तीन ये आंदोलन करते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी ने सत्य और असहयोग का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया था? अफ्रीका में किया था, और उसी का दोहरा रहे थे कहाँ पर? वो अपने भारत में। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों रॉलट एक्ट। रॉलट एक्ट क्या था? इसी में ना एक कानून पास किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, सर सिडनी रॉलट, याद रखना, सर सिडनी रॉलट की अध्यक्षता में एक कानून पास किया गया, एक नियम पास किया गया। इसी नियम को हम क्या कहते थे? रॉलट एक्ट कानून। और रॉलट एक्ट कानून क्या था मेरे दोस्तों? इस रॉलट एक्ट के माध्यम से या इसे के माध्यम से अब इसे एक और नाम दिया जाता है, इस कानून को हम क्या कहते हैं? काला कानून के नाम से जाना जाता है। ये कानून क्या था दोस्तों? इस कानून के माध्यम से ब्रिटिश सरकार किसी भी भारतीयों को बिना किसी सजा, बिना किसी जुर्म को गिरफ्तार कर सकती थी, और उसे तब तक नहीं छोड़ती थी जब तक उसका मन नहीं करता था। और यानी ये एक प्रकार का कानून पूरी भारत के लोगों पर हावी हो गया। और इस कानून लाया क्यों गया? क्योंकि ब्रिटिश सरकार इस रॉलट एक्ट कानून के माध्यम से भारतीय समाज या भारतीय आंदोलनकारियों को दबाना चाहती थी।
और इसी आंदोलन का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने एक सत्याग्रह चलाया था जिसे हम क्या कहते हैं, रॉलेट सत्याग्रह। समझ गए, रॉलेट कानून क्या था, ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया काला कानून जिसके माध्यम से भारतीयों को जबरन जबरदस्ती बिना किसी जुर्म के गिरफ्तार कर लिया जाता था। और इसी गिरफ्तारी के विरोध में, इसी कानून के विरोध में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया जिसे हम क्या कहते हैं, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। चलिए, अब रॉलेट एक्ट सत्याग्रह हुआ दोस्तों, तो इसी से संबंधित एक और बात इसमें क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। रॉलेट सत्याग्रह 1919 में आया और इसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 ध्यान रखना दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। अब जलियांवाला हत्याकांड है क्या, पंजाब के दो बहुत मशहूर बड़े नेता सत्याग्रही डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। क्यों गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि वो रॉलेट कानून का विरोध कर रहे थे। और इस क्योंकि डॉक्टर सत्यपाल मलिक और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू बहुत ज़्यादा जनवादी नेता थे, पंजाब में बहुत लोकप्रिय थे और उनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा थी, और इसी के चलते लोग अपने चाहने वाले नेता को, अपने मनपसंद नेता को गिरफ्तार से छुड़ाने के लिए इकट्ठा होते हैं। और संयोगवश उस दिन बैसाखी के दिन था, लोग बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग यानी अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा के लिए आयोजन करते हैं, जाते हैं, और उन्हें नहीं पता था कि पूरे पंजाब में या पूरे भारत में क्या लागू है, मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है, ये उन्हें पता नहीं था। यानी मार्शल लॉ का मतलब क्या होता है कि भीड़ को एक जगह पर इकट्ठा होने से मना किया जाता है, चार से अधिक भीड़ इकट्ठा नहीं की जा सकती कहीं पर भी। इसी दौरान ये बात उस समय के पंजाब के जनरल डायर को पता चलती है और जनरल डायर शांति सभा में बैठे सभी निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर बिना किसी कारण के अंधाधुंध गोलियां चला देता है और उसमें हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों की जान चली जाती है। यही था दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी। किसकी उपाधि, नाइट की उपाधि, याद रखना बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसके द्वारा नाइट की उपाधि त्याग दी थी, तो वह है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। चलिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्लियर, क्यों किया गया क्लियर, नाइट की उपाधि किसने त्यागी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्लियर, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों बुलाया गया, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक के गिरफ्तारी के विरोध में जो रॉलेट एक्ट के विरोध कर रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। अब दोस्तों बात करते हैं इसी संबंधित असहयोग आंदोलन की। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को हम साथ में बात करेंगे क्योंकि दोनों एक साथ उत्पन्न हुए थे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन इस जनवादी आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन होता है। खिलाफत आंदोलन शुरू किया जाता है भारत के दो मुस्लिम यानी मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली। किसके द्वारा खिलाफत आंदोलन शुरू किया जाता है दोस्तों, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली दो भाई थे, इन्हीं दोनों भाइयों के माध्यम से क्या चलाया गया, खिलाफत आंदोलन चलाया गया। अब दोस्तों खिलाफत आंदोलन चलाया क्यों गया, प्रथम वर्ल्ड वार में ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिमों से सहयोग मांगा और मुस्लिमों ने सहयोग दिया। किस आधार पे, कि ब्रिटिश सरकार प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाने के बाद तुर्की के जो खलीफा थे कमाल पाशा, उनको रिहा कर देगी और उनको वो सारा यानी खलीफा का पद और वो सारा अधिकार उन्हें वापस कर देगी। और इसी के लिए मुसलमानों ने फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटिश सरकार का सहयोग दिया, परंतु युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा वादा खिलाफी की गई और इसी वादा खिलाफी के खिलाफ भारत के दो मुस्लिम बंधुओं मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली द्वारा ही क्या शुरू किया गया, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई। अब दोस्तों खलीफा क्या होता था, खलीफा आप कह सकते हैं कि उस समय खलीफा पूरे मुस्लिम जगत का सबसे बड़ा नेता होता था, यानी मुस्लिम जगत का रिप्रेजेंट करने वाला कौन होता था, खलीफा। यानी उस पद को क्या कहते थे, हम खलीफा कहते थे, और वो पद उस समय तुर्की के प्रधान कमाल पाशा को मिला हुआ था। चलिए, अब खिलाफत आंदोलन देखा आपने, तो खिलाफत आंदोलन दोस्तों, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में होती है। आप 1919 और 20 कह सकते हैं। अब इधर खिलाफत आंदोलन चला था और इस खिलाफत आंदोलन को महात्मा गांधी ने एक सहयोग के रूप में देखा।
संयुक्त रूप में इसे देखा क्योंकि महात्मा गांधी को लगा यह सबसे अच्छा मौका है कि हिंदू मुस्लिम एक होकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्या कर दें, असहयोग कर दें, आंदोलन कर दें। और इसलिए इस खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी साथ हो लेते हैं और महात्मा गांधी द्वारा एक आंदोलन चलाया जाता है, उसी आंदोलन को हम क्या कहते हैं, असहयोग आंदोलन, जिसमें हिंदू मुस्लिमों ने बढ़ चढ़ कर एक साथ भाग लिया था। किसके खिलाफ? ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। और जो दोस्तों असहयोग आंदोलन भारत में चलाया जाने वाला प्रथम जन आंदोलन था। असहयोग का मतलब क्या होता है? असहयोग का मतलब होता है कि अहिंसात्मक गतिविधियों का प्रयोग कर कर सरकार के नियमों का प्रतिकार करना, यानी अहिंसात्मक होकर सरकार के नियमों नीतियों का असहयोग करना, सरकार द्वारा बनाए किसी भी कानून का पालन ना करना ही क्या कहलाता था, असहयोग कहलाता था। और ये शुरुआत हुआ था 1920 में महात्मा गांधी द्वारा, और ये महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया भारत में प्रथम जन आंदोलन। जन आंदोलन का मतलब क्या होता है कि इसमें सभी जनता ने भाग लिया। 1917 के चंपारण तो किया था, लेकिन चंपारण में केवल किसानों ने भाग लिया था, राइट, खेड़ा में केवल मजदूरों ने भाग लिया था, तो ये अलग अलग था, लेकिन ये क्या था, प्रथम, यानी इस आंदोलन में संपूर्ण मानव अधिकारों के माध्यम से आ गए हैं, संपूर्ण भारतीय जनता ने भाग लिया, चाहे वो महिला हो, चाहे स्त्री, चाहे पुरुष, चाहे किसान, चाहे जमींदार, है ना, चाहे वो किसी भी धर्म का धर्मावलंबी या धर्म को मानने वाला क्यों ना हो। इसलिए इसे कहा गया है कि भारत का प्रथम जन आंदोलन। चलिए, यह आंदोलन 1920 में शुरू होता है और ये आंदोलन धीरे धीरे व्यापक रूप ले लेता है, लेकिन अचानक एक घटना घटित हो जाती है 1922 में चौराचौरी में। हुआ क्या दोस्तों, 1921 में एक कमीशन भारत में आया था, उसका विरोध किया गया, और उसका विरोध इसलिए किया गया क्योंकि इधर हम आंदोलन की मांग कर रहे हैं, है ना, अधिकारों की मांग कर रहे हैं, लेकिन ब्रिटिश सरकार के कानून में जू तक नहीं देखती, लेकिन वो उसने अपने कमीशन को बाद में भेज दिया। अब हुआ क्या कि धीरे धीरे आंदोलन ना तेजी पकड़ने लगा, और तेजी पकड़ने के चक्कर में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया गया। अब इसी चक्कर में क्या होता है, 1922 में क्या होता है दोस्तों, गोरखपुर यानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक स्थान है चौराचौरी, वहाँ पर गुस्साई भीड़ ने एक थाने को आग लगा दिया, और उस थाने में 13 से 14 पुलिसकर्मी थे, वो सारे के सारे पुलिसकर्मी आग से जलकर मर जाते हैं। और इसी वजह से महात्मा गांधी ने इस असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया दोस्तों, वापस ले लिया। यानी जो आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था, उस असहयोग आंदोलन को वापस कब ले लिया गया, 1922 में। कारण क्या था, चौराचौरी हत्याकांड। इस हत्याकांड में क्या हुआ कि गुस्साई भीड़ ने वहाँ चौराचौरी गोरखपुर में पूरे थाने को आग लगा दी, और उस थाने में 13 से 14 पुलिसकर्मी थे, वो सारे के सारे मर गए। और महात्मा गांधी को लगा कि महात्मा गांधी ये कहते हुए अपना आंदोलन वापस लेते हैं, उन्होंने कहा कि भारतीयों को अभी असहयोग के बारे में बहुत कुछ सीखना है, यानी आप तब तक असहयोग कर सकते हैं जब तक आपके शरीर में प्राण आखिरी सांस ना चले जाए। ये महात्मा गांधी का असहयोग था, यानी आप असहयोग में ना किसी भी प्रकार का हथियार, किसी प्रकार की हिंसा का प्रयोग नहीं कर सकते, आपका काम था असहयोग करना। और महात्मा गांधी का असहयोग ये था कि आपका असहयोग तभी कामयाब हो सकता है जब आप हिंसात्मक कार्रवाइयों को अपने असहयोग के माध्यम से सामना करें। हिंसा का जवाब हिंसा से देना महात्मा गांधी का असहयोग नहीं था, वो हिंसा का जवाब असहयोग से देना ही महात्मा गांधी का, अहिंसात्मक रूप से देना ही महात्मा गांधी का असहयोग था। और इसीलिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को 1922 में वापस ले लिया। हालांकि महात्मा गांधी की बहुत आलोचना होती है, मोतीलाल नेहरू कहते हैं कि एग्जाम्पल देते हैं मोतीलाल नेहरू कि इस असहयोग आंदोलन के एग्जाम्पल देते हैं, वो कहते हैं कि कन्याकुमारी के एक घर में घटित घटना का खामियाजा हिमालय में रहने वाले गाँव को क्यों मिलना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो घटना गोरखपुर में हुई उसका खामियाजा पूरे भारत क्यों भुगत, यानी आंदोलन चरम पर था, ऐसा लग रहा कि अब हम जीत जाएंगे या ब्रिटिश सरकार चली जाएगी, लेकिन इसी तुरंत क्या हो गया, आंदोलन को महात्मा गांधी ने स्थगित कर दिया। और फिर सुभाष चंद्र बोस की टिप्पणी आती है, हालांकि बहुत नेताओं ने टिप्पणी करी, ये टिप्पणी सबसे मशहूर थी यही कि कन्याकुमारी के एक शहर में हुई घटना का खामियाजा हिमालय के नीलगिरी पर्वत पर रहने वाले लोगों को क्यों चुकाना पड़े, ये कारण था, समझ गए। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन उस समय क्या हुआ था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक पर टैक्स लगा दिया गया, नमक कानून को
लागू कर दिया गया। नमक जो हर जन की ज़रूरत, चाहे अमीर चाहे गरीब, चाहे महिला चाहे पुरुष, बिना नमक कोई स्वाद नहीं है ना, जन जन तक पहुँचने की पहुँच। जो नमक भारतीय लोग खुद से बनाया करते थे, जिसकी कोस शून्य हुआ करती थी और शून्य विहीन हुआ करती थी, उस पर ब्रिटिश सरकार ने टैक्स लगाकर उस नमक के मूल्य को बढ़ा दिया। और इसीलिए महात्मा गांधी द्वारा अपने इसी का विरोध करने के लिए, नमक कानून को तोड़ने के लिए 12 मार्च 1930 को अपने आश्रम साबरमती से दांडी तक एक यात्रा की। और यानी 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा ही क्या बन गई, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कब होती है दोस्तों, 1930 में। किसके साथ शुरू होती है, महात्मा गांधी के दांडी यात्रा से। और महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कब शुरू होती है, 12 मार्च 1930 को। समाप्त कब होती है, महात्मा गांधी जब साबरमती आश्रम से चलकर दांडी पहुंचते हैं 6 अप्रैल 1930 को, और दांडी के एक तट पर एक मुट्ठी भर नमक उबालकर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ देते हैं, वहीं से ही दांडी यात्रा भी समाप्त हो जाती है और पूरे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार शुरू हो जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ क्या हो सकता है, अर्थ क्या होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों, अर्थ है किसी भी नागरिक द्वारा अपनी सरकार के कुछ आदेशों का पालन ना करना है ना, उसका सहयोग ना करना, यही क्या होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, समझ गए। यानी नागरिक अवज्ञा का मतलब होता है सरकार के कानूनों की अवहेलना करना, उस कानूनों को ना मानना, क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो भी कानून बनाती थी वो सारे का सारा कानून भारतीयों के लिए हानिकारक थे, या आप कह सकते हैं भारतीयों दबाने के लिए बनाया जाता था, या ब्रिटिश सरकार को भारतीयों गुलाम बनाने के लिए या भारतीयों पर हावी होने के लिए बनाया जाता था। अब दोस्तों हम बात करते हैं ना, एक यहाँ पर मैंने आपको प्रश्न छोड़ दिया था कि असहयोग आंदोलन में घटना क्या घटी थी। तो असहयोग आंदोलन में बहिष्कार किया गया, पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग का मतलब समझते हो आप, पिकेटिंग क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पिकेटिंग पूछा जाता है। पिकेटिंग का मतलब होता है आंदोलन करने का एक तरीका, जिसका प्रयोग कर सरकारी दुकानों, सरकारी अस्पतालों और सरकारी शराबघर जो होता था उसके रास्ता को रोक देना, इसे कहा क्या जाता है पिकेटिंग। आंदोलन करने का एक तरीका है, क्या है आंदोलन करने का एक तरीका। आपसे पूछेगा ना कि पिकेटिंग से आप क्या समझते हैं, पिकेटिंग तो क्या दोस्तों, ये भी क्या है एक प्रकार का आंदोलन करने का तरीका है। और इस तरीके में आंदोलनकारी विरोध करने, यानी जिस चीज़ का विरोध करते हैं उस विरोध में, यानी उसके विरोध में रास्ते को रोक देते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए शराब है, तो शराब के रास्ते, यानी जो शराब का रास्ता है जिधर से जाते हैं, तो उस रास्तों को बीच में ही रोक देना, ब्लॉक कर देना, इसे क्या कहते हैं हम पिकेटिंग के नाम से जानते हैं। गॉट इट, पिकेटिंग क्या है, आंदोलन करने का एक ऐसा तरीका जिसका प्रयोग करके आंदोलनकारी विरोध तत्वों को रोक देते हैं, इसे क्या कहते हैं हम पिकेटिंग के नाम से जानते हैं। साइमन कमीशन क्या दोस्तों, साइमन कमीशन भारत में 1927 में इसकी नियुक्ति होती है, 1927 में भारत में साइमन कमीशन आता है, इसका विरोध किया जाता है। विरोध इसलिए किया जाता है दोस्तों क्योंकि इस कमीशन में कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, याद रखना। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया जाता है, और साइमन कमीशन क्या है कि 1927 में भारत में संविधान की जाँच और कानून की जाँच करने के लिए, नियमों की जाँच करने के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की जाती है, जो 1927 में नियुक्त किया जाता है, 1928 में भारत आता है और इसका विरोध किया जाता है। क्यों विरोध किया गया, क्योंकि इस कमीशन में कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, समझ गए। और इसी दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, इसके विरोध किया तो डाठी चार्ज में उनकी मृत्यु हो जाती है। 1929 का लाहौर अधिवेशन दोस्तों क्या है, 1929 का लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का वो अधिवेशन था जिस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव को रखा, क्या रखा पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को रखा, कब रखा 1929 का लाहौर अधिवेशन। और इसी लाहौर अधिवेशन में के बाद 26 जनवरी 1930 को भारतीयों द्वारा पहली बार स्वतंत्रता यानी अपना स्वाधीनता दिवस मनाया गया और तिरंगे झंडे को फहराया गया। बाद में जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो जाता है तो इसी स्वतंत्रता दिवस, इसी स्वाधीनता दिवस को बरकरार रखने के लिए ही अपने अपने संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया। तो दोस्तों ये हमारे पूरे चैप्टर का क्या है, एक संक्षिप्त इंट्रोडक्शन है। आने वाली वीडियो में हम आपको असहयोग आंदोलन की विशेषताएं क्या थी, इसके परिणाम क्या रहे है ना, इस चैप्टर से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है वो आपके सामने लेकर आएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी
अन्य लोगों तक पहुँचे और आपके एक लाइक हमें और प्रोत्साहन देगा। धन्यवाद।